तो गाइज अब हम जा रहे हैं कोचिंग पर, जहाँ पर मुझे ड्यूज क्लियर का मतलब अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी है और 2 ईयर का प्लान लिया था मैंने। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं बाहर कोचिंग। ये बड़ी अच्छी बात कही है यार। अब जाने के लिए कोचिंग, तो हम जाने वाले हैं कोचिंग अभी। तो गाइज अभी हम रास्ते में और अभी सुबह का समय हो और आसपास बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है और पूरी ठंड तो लेवल मतलब 10 के नीचे गिरा पड़ा है और ठंड बहुत हो रही है अभी कोटा शहर में। और बच्चा अभी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ अभी पढ़ाई के लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यहाँ पर देख लीजिए माहौल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और पीछे ये सर्विस स्टेशन है जहाँ पर सिलेंडर की सर्विस होती है, तो मैं जा रहा हूँ अभी। कुछ हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तेरा तो गेम बजाना पड़े। गाइस अब हम 11:30 बजे घर पे जाएंगे। और अच्छा हमको सिखा रिया है, वहाँ से वापस ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं गाइस, प्लीज लाइक सपोर्ट शेयर। आपके सपोर्ट शेयर से अगर कुछ तरीका है भीख मांगने का, हम आगे पहुँच जाए तो आपको बहुत फायदा होगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे। पर तो गाइस अपनी अब ठंड में मैगी चल रही है, क्योंकि आज मैं नहीं बताऊंगा। फॉग बहुत ज्यादा हो रही थी सुबह और अभी अभी छुट्टी से बाहर निकले और बाहर जाके किसी स्टोर पे जाके अब मैगी खा रहे हैं। और यहाँ पर युग भाई है जो कि हम दोनों मिलकर साथ में मैगी खाएंगे और इस गर्मी को भगाकर और इस ठंड को भगाकर गर्मी लाएंगे। बढ़िया ये भी। तो गाइस अब मैगी आ चुकी है और अब खा एक बार दिला दे आने वाले हैं। और यहाँ पर युग भाई भी खा रहे हैं मैगी। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और ठंड में मजा ले रहे हैं हम गरम गरम मैगी का यहाँ पर। तो गाइस अब समय हो गया है हॉस्टल रूम पे जाने का। नहीं भाई, उसके बाद मैच पे जाऊंगा। तो अभी मैं हॉस्टल रूम में जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ जाके मुझे खाना भी खाना है। और यहाँ पर अब थोड़ी हल्की बल्कि धूप निकल गई, मतलब फोग से राहत मिल गई है थोड़ी बहुत। और सुबह तो बहुत ज़्यादा फोग हो रही थी। तो अभी रूम पे जा रहा हूँ मैं, उसके बाद मैस में जो बनेगा उसको दिखा देता हूँ आपको क्या बनेगा। उसके बाद रूम के आगे फिर ब्लॉग शुरू करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये है फ्लिपकार्ट का होल सेल का जो कि हम मेरे हॉस्टल रूम के पास ही पड़ जाता है। और फाइनली गाइस हम हॉस्टल रूम पे पहुंच चुके हैं, मैस भी जाएंगे फिर खाना खाएंगे, उसके बाद ब्लॉग को जारी रखेंगे। म्यूजिक। तो गाइज अब हम जा रहे हैं कोचिंग पर, जहाँ पर मुझे ड्यूज क्लियर का मतलब अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और 2 ईयर का प्लान लिया था मैंने फिजिक्स वाला का जो कि 11-12 दोनों का है। तो मेरी पेमेंट रह रही है थर्ड इंस्टॉलमेंट, वो तो मैं पे करने जा रहा हूँ। मेरे साथ आकाश भी जा रहा है क्योंकि इसके बैच रिक्वायर्ड मतलब सॉरी बैच रिलेटेड क्वायरी करनी है इसे। तो हम जा रहे हैं अभी और देखेंगे भाई। तो गाइस अभी पे नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल रहा आज की पेमेंट। और पीछे ये शायद भाई पेमेंट रजिस्ट्रेशन करने आए थे, हमारा अनसक्सेसफुल रहा। गजब बेइज्जती है। देखिए शायद भाई ये भी पेमेंट करने आए हैं, सभी मिलते जाते हैं पेमेंट के लिए, यहाँ पर मिलते ही जाते हैं सारे दोस्त एक साथ ही कहीं ना कहीं। किसी की खराब हो गई भाई, जबान नहीं पड़ रहा है, तो जा रहे हैं हम वापस। पहली फुर्सत में निकल। तो गाइज अभी 6 बज रहे हैं और अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगा। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर सब्सक्राइब का बटन ठोक लेना। कोई तरीका है भीख मांगने का में।